चलें स्टार्ट करें। आज जो टॉपिक है इसका नाम क्या है बताओ? ओकरा। ओनियन है, भिंडी। इसके पहले अपन सोलेनेसी पढ़ चुके हैं। सोलेनेसी में कौन कौन से क्रॉप पढ़ लिए हो बताओ? टमाटर। ये सबको ना एकदम सब्जी मंडी में बिठाने, भिंडी ले लो ले लो, तो इसी लायक है रे। साफ साफ बोल कि टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू, अब आज हम पढ़ेंगे भिंडी। अरे भिंडी देख लिया, ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट का भिंडी है, देख ले इतनी छोटी छोटी देसी भिंडी है। ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी डिमांड है। हम लोग कैसे भिंडी पसंद करते हैं, इतना बड़ा बड़ा ऐसे माथे पे लगे रहते हैं, वो भिंडी ज्यादा पसंद होता, बड़का भिंडी। ये छोटा छोटा अंग्रेज लोग पसंद करते हैं, छोटी भिंडी ले जाओ, छोटी भिंडी। ये चले शुरू करें भाई। लेडी फिंगर, इसका दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले देख लो क्या क्या है। एवल मोस्कस स्कुलेंटस, इसमें कुछ नहीं करूंगा। फैमिली क्या है बताओ? लिख देता हूं मालवेसी। क्या है? मालवेसी। फैमिली है इसका मालवेसी। और किसका है मालवेसी बताओ? कपास का। किसका है? कपास का भी फैमिली क्या है? मालवेस। अच्छा भिंडी का क्या खाते हैं बताओ? फल। तो ये सारे कहानी किसका गुजरेगा? जो अभी तक आपने फल पढ़ा उसके जैसा ही होंगे सब। इसको गर्मी पसंद होंगे, यानी इसको पानी कम चाहिए, चाहिए ना। इसकी बुआई फरवरी मार्च और जून जुलाई में करोगे तो वो सेम कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम सेम क्रॉप लेके चल रहा हूं। और इसके बाद पढ़ाऊंगा कुकरबिट्स। तो कुकरबिट्स में भी क्या खाते हो? फल। तो सब कॉन्सेप्ट एक जैसा। और लास्ट आते आते तुम खुद बोर हो जाओगे, अरे सर आगे बढ़ो यार, क्या रोज एक ही चीज बुआई लेके आ जाते हो, तो जरूरत ही नहीं। 2N कितना है? 130। ये प्रश्न पूछ लेंगे। जानते हो भिंडी के क्रोमोजोम की संख्या 72 भी होते हैं, 130 भी होता है, लेकिन ये 130 जो है ना, ये इंडियन कल्टीवेटेड है। इंडियन कल्टीवेटेड का मतलब बताओ कि जो भारत में जिसकी खेती होती है उस भिंडी के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 130। तो पीछे वाले गुणसूत्र बता दो। टमाटर का कितना था? 24। बैगन का कितना है? 24। मिर्च का कितना है? 24। आलू का कितना है? 48। और भिंडी कितना हो गया? 130। चलो काम खत्म। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह है ट्रॉपिकल अफ्रीका। कहां है उत्पत्ति? ट्रॉपिकल अफ्रीका। कुछ पॉइंट ले लेता हूं। ये इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसको छोटा कर देते हैं, अब इसको रहने दो। तीन चार पॉइंट आपने लिख लिया, अब आ जाओ यहां से। क्या बोल रहा है बताओ? कि भारत जो है विश्व में क्या है? नंबर वन। भारत विश्व उत्पादन में, विश्व उत्पादन में कौन सा रैंक है बताओ? फर्स्ट रैंक। अच्छा इसके पहले इंडिया कहीं नंबर वन आया है या ऐसा ही है? आया है, तो उधर का भी रिवीजन करा देता हूं। बताओ टमाटर में कौन है नंबर वन? चाइना। बैगन में कौन है? चाइना। आलू में कौन है? चाइना। शिमला मिर्च किसका है? चाइना। तो ये हो गए सब चाइना, ये हो गए आपका चीन नंबर वन। अब आ जाते हैं भारत। भारत में दो नाम लिख लेता हूं, कौन कौन? एक तो तीखी मिर्च और एक हो गया भिंडी। अभी यहां तक चले तो यहीं तक रिवीजन करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट की बात करें। किसकी बात करेंगे बताओ? स्टेट जनरल में। राज्य की बात कर लेते हैं भाई साहब, राज्य में कौन टॉपर है? तो राज्य में टॉप है इसमें वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। किसकी राज्य की बात किया है? फर्स्ट रैंक। ओकरा में कौन है टॉपर? वेस्ट बंगाल। टमाटर में कौन है टॉपर? अरे सर पीछे भूल गया गुरुजी, टमाटर में आंध्र प्रदेश। बैगन में कौन है टॉपर? बैगन में है वेस्ट बंगाल। बैगन में कौन है? वेस्ट बंगाल। और मिर्च कहां ज्यादा होता है? मिर्च भी होते हैं कहां? आंध्र प्रदेश। कहां होते हैं? आंध्र प्रदेश। तो ओकरा हो गया, बैगन हो गया और आलू हो गए।
आलू में यूपी, वेस्ट बंगाल में भी आलू होते हैं, इसका कंपटीशन आपस में चलते रहते हैं। ये हो गया अपना राज्य की बात, ये हो गया अपना विश्व पटल की बात कर दिया। बोटनिकल नेम क्या है ये जानते हो? एवल मोस्कस एस्कुलेंटस। क्या है? एवल मोस्कस एस्कुलेंटस। फैमिली की बात कर दिया आपने, मालवेसी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 130। और उत्पत्ति की बात किया तो आपने बोल दिया ट्रॉपिकल अफ्रीका। कहाँ है बताओ? ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो ये बेसिक पॉइंट आपके कंप्लीट। कह रहा है कि आफ्टर ओनियन, एक पॉइंट है, ओनियन के बाद, प्याज के बाद अगर पूछा जाए कौन सी सब्जी में विश्व व्यापार में नंबर वन, सबसे ज्यादा पैसा एकदम भारत रगड़ के कमा रहा है, वो किसमें है? आफ्टर ओनियन अकाउंट 70% ऑफ द 30% एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट वेजिटेबल्स। यानी एक्सपोर्ट की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? एक्सपोर्ट, कि भाई कौन सी सब्जी का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है भारत से, तो सबसे ज्यादा पे है प्याज, और उसके बाद कौन है? लेकिन ये भिंडी उंडी नहीं आते हैं, केवल यही पूछेगा कौन सी सब्जी का भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, तब वो कौन है? बस काम खत्म। बताओ इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिले? एक मिला प्याज वाला। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको कर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझते हो शांतनु? क्या है एक्सपोर्ट? मतलब भेजना। इम्पोर्ट तो हम क्या बोल रहे हैं? एक्स एक्स का मतलब, अरे अरे शब्दों को तोड़ पागल, ये सब चीजें पागल ही, इसीलिए तो याद करते हैं टर्म गिवेन वाय, टर्म गिवेन वाय एक्स, तो एक्स गिवेन वाय हरे राम, तो ये टर्म गिवेन वाय ये है। तो एक्स का मतलब होता है बाहर, एक्स का मतलब, तो ये है यहां से बाहर जा रहा है, ये क्या है? बाहर जा रहा है, इसको क्या बोलोगे? एक्स। और पोर्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, यहां से बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट होना, क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। और इन का मतलब अंदर, तो ये हो गया इंपोर्ट, क्या कहलाया? इंपोर्ट। ठीक है, अब आ जाओ ये देखो अपना एग्रीकल्चर सार वाले स्लाइड, कितना एकदम बोल्ड लगता है ना, चमक गया, वैसे मरे मरे आएंगे स्लाइड। तो ये सारे उत्पत्ति, इसका इंपॉर्टेंट है, केवल अगर स्टार लगाया जाए हमारे तरफ से अभी तो ओरिजिन इसकी बार बार पूछ लेते हैं। ओरिजिन कहाँ है? कम से कम जो स्टार लगा दो इसको तो एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए, इसमें कोई मर्सी नहीं। अफ्रीका टू यानी याद हो गया, एम्फी डिप्लॉइड होते हैं, और जिसका फल खाते हैं वो कैसा हो गया बताओ? डे न्यूट्रल प्लांट। इसमें समय क्यों बर्बाद करूं, अब तो तुझे क्रॉप पढ़ने में इजी होगा। बताओ इसका फल प्रकार क्या होगा? कैप्सूल। किसका किसका कैप्सूल है? 20 बार पढ़ा चुका हूं। च से चुकुंदर, सलजम, भिंडी, कपास, गोल गोल, कपास, अरंडी, धथुरा, तिल, रतनजोत, और एक चुन अरंडी, अफीम। वाह 10 हो गए? नहीं हुआ सर, फिर से एक बार जोड़ा दो। फिर से जोड़ रहा हूं, चुकुंदर, सलजम, गोल वाले, पहले गोल वाले, कपास, अरंडी, धथुरा, अफीम, और गोल गोल वाला, गोल दो और इतना खत्म हो गया, रतन जोत, तिल, आंवला, बिल्कुल सही, आंवला और भिंडी, 5 इधर 5 इधर, 10 हो गए, ये 10 खत्म। चलो आगे बढ़ो, ये क्या है? भिंडी को काटते, ये आया हुआ प्रश्न, छोटका एग्जाम में नहीं आएंगे, बड़ काम आते हैं। क्या है ये? आयात और निर्यात सर। ठीक है, फर्स्ट नंबर वन पे ओकरा प्रोडक्ट है, ये तो क्या लिखते हैं, इधर रहने दे। ये भिंडी को ऐसे काट दिया, असर ये काटे हो तो ये क्या है गुरुजी? जैसे भिंडी को अब मैं बनाऊं कैसे, इसलिए इमेज ले आया, ये वाले जो है ना, ये ऐसा, आहा, ये वाले, अब बन जाएगा मेरे से, छोटा हो गया फिर।
ये जो कहलाते हैं प्लासेंटा, क्या है इसको ना बोलते हैं इंग्लिश में क्या जानते हो, प्लासेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन। अच्छा सर, जैसे इनफ्लोरोसेंस बोलते थे ये वाले, इनफ्लोरोसेंस, तो इसको हिंदी वाले बोलते हैं ना पुष्प क्रम। क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम। तो ये है बीजांड क्रम, बीजांड का क्रम। ये अजीब शब्द है रे, बड़ा मुश्किल से याद करता हूं ना, रात को याद करता हूं, हिंदी सुबह तक भूल जाता हूं। ये है क्या इसमें, देखो इसमें क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फूलों का अरेंजमेंट, और इसमें है प्लासेंटा का अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? प्लासेंटा। जैसे मटर देखे हो कभी, मटर के फली में देखा होगा ऐसे ऐसे मटर लगे रहते हैं ना, ये मटर ऐसा है। तो इसको बोलते हैं पेराइटल। क्या बोलते हैं इसको? पेराइटल। ये आपको यहाँ है रे पागल, एक्साइल। ये ऐसा कहां देखा है बताओ, ऐसा नींबू को काटे हो, नींबू को तो एक ही आता है बताओ, कि सिट्रस का कैसा होता है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन आज आपके लिए एक नया टॉपिक है। प्लासेंटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा, अरेंजमेंट ऑफ, या कह सकते हो ओव्यूल का अरेंजमेंट, हिंदी में क्या कहते हैं बीजांड। तो ये एक एग्जैक्ट शब्द दे दें, ओव्यूल का क्रम। किसका क्रम है बताओ? ओव्यूल का क्रम किस पे? प्लासेंटा पे। किस पे है बताओ? प्लासेंटा पे। ये सारे जो देख रहे हो ना, ये क्या है? ओव्यूल। ये क्या है? बीजांड है। ये क्या है? बीजांड है। ऐसा तो ये कहलाता है, देखो ये मार्जिनल कहलाता है, ये एक्साइल। एक एक्साइल याद रखना, और ये एक्साइल का उदाहरण है। ये किसका है? एक्साइल। तो नींबू को भी काटोगे तो ऐसा ही दिखेगा, और भिंडी को भी काटोगे तो ऐसा ही दिखेगा। इसको हम बोलते हैं एक्साइल। क्या बोलते हो बताओ? एक्साइल। तो बस केवल, और मटर का जो होता है ना, मटर वाले, तो मटर ऐसे होते हैं, तो इसको म से मटर और म से मार्जिनल। मटर का क्या याद रखोगे? बस तो दो ही याद रख लेना हमारे लिए, एक तो भिंडी का बोलो क्या होगा, ऐसे वाले क्या कहलाते हैं? एक्साइल। क्या कहलाएगा? बस। तो आज नया शब्द यही समझे आप, ये क्या है रे? भिंडी में आयोडीन पाया जाता है। ओकरा इज ए रिच सोर्स ऑफ, ओकरा इज ए रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन। किसका प्रचुर मात्रा पाया जाता है बताओ? आयोडीन। जानते हो ये घेघा रोग, घेघा रोग को बोलते हैं ग्वाइटर, गलगंड, और हिंदी में क्या बोलते हो? गलगंड। गलत लिखा है, हंसी आ रहे हैं, गलत है, अरे सही है, गलगंड। अब देखो ये हो गया ग्वाइटर, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, यहां पे एक ग्रंथि है, ये ग्रंथि, ये ज्यादा महिलाओं में होते हैं, ये दिख रहा होगा, थायराइड ग्रंथि। क्या है? लिख दूं, थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है इसका? इस ये तो ग्रंथि है, ग्रंथि क्या होते हैं? जो हार्मोन का सिक्रीशन करे वो क्या कहलाएगा? ग्रंथि। जरूरी नहीं कि हार्मोन, हार्मोन एक्जो हो सकता है, इंडो हो सकता है, लार को सिक्रीट करेगा लार ग्रंथि, आंसू को सिक्रीट करेगा आंसू ग्रंथि, खखार को सिक्रीट करेगा खखार वाले ग्रंथि, बहुत तरह के हार्मोन का सिक्रीट करेगा, तो कौन सी ग्रंथि है? हार्मोन वाले ग्रंथि। अब ये केमिकल एक सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है बताओ? थायराइड ग्लैंड कौन सी हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, इसका नाम क्या है? थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन जो होते हैं ना, ये आयोडीन को, आयोडीन का कौन है, का संश्लेषण करने में क्या करेगा? सहायता। आयोडीन के संश्लेषण में ये क्या होते हैं? सहायक। थायरोक्सिन हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ इन, क्या है? आयोडीन। कौन सा एलिमेंट? आयोडीन। अब देखो मान लिया जाए किसी इंसान के थायराइड ग्रंथि कम विकसित हो, क्या है? कम विकसित। तो ये कम विकसित होगा, ये नॉर्मल है,
और ये थायराइड ग्रंथि जो हो गया ये बढ़ गया, सॉरी कम नहीं ज्यादा विकसित हो जाए, क्या हो जाए ज्यादा विकसित, तो ये कहलाते हैं गलगंड वाटर, ये घेगा रोग पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा फूल जाएगा। इसमें आयोडीन की क्या हो जाती है कमी, आयोडीन की क्या हो जाती है कमी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आयोडीन की कमी हो गया तो आयोडीन की पूर्ति करने के लिए किसका उपयोग करेंगे बताओ, कि क्या खाओगे भिंडी, तो ये भिंडी का सेवन करें आप जल्दी जल्दी। चले ये कैसा क्रॉस पोलिनेशन है बताओ, ऑफन क्रॉस, भिंडी में लसलसा पदार्थ खाए हो आप, ऐसे काटते हैं ना तो चिपचिपा पदार्थ, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोलोगे ग्लाइकोप्रोटीन, और ये आइसक्रीम बनाने में सहायता करते हैं आइस मेकिंग में, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है आइस मेकिंग में क्या करेगा हेल्प करेगा, क्या नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। अब नहीं तो जानते हो आइसक्रीम में अगर ये ना डालो ग्लाइकोप्रोटीन तो आइसक्रीम तो बन जाएंगे लेकिन ऐसे जैसे ऐसे करोगे पूरा नीचे गिर जाएंगे, वो आपस में जोड़ के जो रखने का काम करता है वो कौन करता है, इसी के कारण आइसक्रीम की कीमत ज्यादा होती है, जो सस्ती आइसक्रीम होगा ना वो लूर सा ऐसे गिर जाएगा फट सा, और जो टाइट होगा थोड़ा इसको जरा 5-10 मिनट चाबते रहोगे ऐसे, एक बार तू भी ले ऐसे ऐसे करोगे 20-25 बार करोगे, और सस्ता वाला रहेगा तो एक ही बार में लुढ़क के गिर जाएगा वो। अब आते हैं उत्पादन प्रोडक्शन की बात करोगे तो इंडिया क्या है बताओ इसका फर्स्ट, ये चर्चा कर चुके हैं 2-3 बार हो गया, जनरल टॉपिक चल रहे हैं अपन। तने का रेशा कागज बनाने में, यानी कि ये होते हैं यूज कहां कागज बनाने में, कागज बनाने कागज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अरे वाह ये अंग्रेज लोग आगे आगे बैठी है फायदा होता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका उपयोग कहां होते हैं, यानी ओकरा फाइबर जो है उसका उपयोग हम करते हैं कहां पेपर। अच्छा सबसे अच्छा पेपर कहां बनता है, पेपर किससे किससे बनाया जाएगा, देखो पेपर बनाए जाते हैं खजूर से, पेपर बनाया जाता है बम्बू बांस से, और पेपर बनाया जाएगा ओकरा के फाइबर से, इन सब से क्या बनाया जाता है पेपर। सबसे अच्छा पेपर किससे बनता है बम्बू से, किससे बनेगा बम्बू। बीज में खाद्य तेल, यानी खाद्य तेल का मतलब है इडेबल ऑयल इन सीड, ये कितना होता है 13-22%, कितना होता है 13। खरपतवार द्वारा अत्यधिक नुकसान होते हैं इसका कोई मतलब बना नहीं, मैक्सिमम जो होता है हार्म होता है किसके द्वारा होते हैं वीड के द्वारा, और जिसका पीएच कितना है 6-7। देखो ये ज्यादातर जो सब्जी जिसको पानी कम चाहिए उन सबका पीएच कितना आ रहा है बताओ जल्दी 6-7, और किसका आया था यही 6-7, किसका आया था बताओ मिर्च का, किसका आया है मिर्च का, तो इन सबका पीएच कितना है 6-7। ठीक है चले आगे, कोई नया पॉइंट मिला आज, क्या मिला नया अगर रिवीजन करें तो नया एक मिला एक्साइल प्लासेंटेशन, क्या मिला एक्साइल, बाकी आप देख लो तो बोटनिकल नेम में कोई मतलब है नहीं। एवल मोस्कस स्कुलेंटस फैमिली की बात करें तो वो क्या हो गया बताओ मालवेसी, एक बार तो पूरा पढ़ देता हूं एक बार लास्ट में फिर 5 मिनट में पढ़ूंगा, उसके बाद इसका फल प्रकार क्या हो गया कैप्सूल, और एक नया मिला इसके बीजों में सर तेल की मात्रा होती है कितना 13-20% के 22% के आसपास होंगे, और ये ओफन क्रॉस पोलिनेटेड है, इसकी बुआई करेंगे 2 सीजन में फरवरी मार्च में और जून जुलाई में, और बीज दर इसका महत्वपूर्ण है, बीज दर इसका क्या है महत्वपूर्ण। तो अब जो हम चर्चा करेंगे किसकी चर्चा करेंगे बताओ सीड रेट का, बीज दर इसका इंपॉर्टेंट है ओकरा का, तो 2 मौसम में इसको लगाओगे, एक तो कौन होगा फरवरी मार्च और एक कौन होगा बताओ जून और जुलाई। अच्छा जून जुलाई को कौन सा ऋतु बोलोगे रेनी, और रेनी को हम बोलते हैं क्या वर्षा ऋतु, और ये कौन हो गया जायद, ये क्या हो गया इसको बोलते हैं गर्मी वाले। तो अच्छा दोनों में फेवरेबल कौन है, ये है फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल मौसम कौन है वर्षा वाले, और ये क्या है नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल, नॉन फेवरेबल कह सकते हो या क्या बोलोगे अनफेवरेबल क्लाइमेट कौन है, ये अनफेवरेबल नहीं इसकी सापेक्ष ये क्या है अनफेवरेबल, माने ज्यादा फेवरेबल ये है इससे ये, इसमें कष्ट ज्यादा होगा,
और कष्ट ज्यादा होगा अनफेवरेबल में, तो इसमें जर्मिनेशन प्रतिशत, जर्मिनेशन प्रतिशत यानी कि अंकुरण प्रतिशत क्या होगा, कम, अंकुरण प्रतिशत कम। ऐसे भी जानते हो भिंडी में अंकुरण प्रतिशत बहुत कम होते हैं, 60 से 65। सर ये क्या लिखे हो 60 से 65, थोड़ा ये जल्दी जल्दी आज कर रहे हो, कारण क्या है? क्योंकि भाई साहब ये पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये अंकुरण प्रतिशत ना भिंडी में कम होता है, और किसमें कम होते हैं, कपास में। अंकुरण प्रतिशत है क्या, मान लिया जाए 100 बीज आपने बोआ और इसमें 60 ही अंकुरित हुए, कितने अंकुरण हुआ 60, तो प्रतिशत कितना बना 60। जैसे देखता होगा ना बोर्ड के रिजल्ट देते हैं कि हमारे यहां से 60% लड़का पास हुए, अब 60 उठ तो कोई लिखता ही नहीं, हमारे यहाँ 100% रिजल्ट रहे, इससे कम कोई कोचिंग वाला नहीं लिखता होगा 100%। कितने तो ऐसे कोच, अरे सुन तो, 99% बनते हैं ना ICAR में, तो कई कोचिंग है वो तो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट रैंक मेरा है, पूरी भारत का रिजल्ट अपन देखना ही नहीं है, जबकि हकीकत देखे तो ICAR में अभी एग्रीकल्चर के बच्चे नाके बराबर जाते हैं 1%। 100 बच्चे की अगर मैं बात करूं तो 99 बच्चा ICAR में सिलेक्शन होता होगा, क्योंकि मैं देखे आया हूं, 12वीं रैंक है मुझे पता है। कौन जाते हैं, नीट वाले, कौन आते हैं, नीट वाले, लेकिन हम क्या है लिख देंगे, अरे यार फर्स्ट रैंक ICAR फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, पता ही नहीं है कि ये कितनी गहराई की चीज है। 6 लाख 7 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं भाई साहब, इतनी भयानक कंपटीशन है। अब ये परसेंटाइल सही बोल तो मुझे भी नहीं पता है कि ये रैंक निकलते कैसे हैं परसेंटाइल पर, हाँ लगा, इसलिए आश्चर्य होता है कि जिस बच्चे को मैं देखता हूँ यार जेट में भी अच्छा नहीं कर रहा है, वो बच्चे यहाँ आके 98% आए, फिर मुझे समझ में आता यार सबसे सरल ICAR है क्या 98। तो कंफ्यूजन में ही रहो, मस्त रहो, आप तो ये देखते रहो हाँ यार 99% आए 100% आए, मस्त रहो, एडमिशन जाके ले ले, कोचिंग वाले काम चल रहे हैं इस परसेंटाइल से। चले आगे बढ़, इधर आ जा, अपने ही पेट पे मैं लात मारूं, बता क्या तुझे। अंकुरण प्रतिशत कितना है बताओ, 60 से 65 कितना है। अब इधर बताए ये कैसा है, अनुकूल, ये मौसम कैसा है अनुकूल, तो इसकी जर्मिनेशन प्रतिशत इसमें क्या होगा, ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो इसमें मान लिया जाए 70 बीज जर्मिनेट हो जाएंगे, 75 हो जाएगा, तो इसकी सीड रेट क्या होगी, कम होगी, बीज दर कम, और यहां सीड रेट क्या होगा, ज्यादा, और इसका बीज दर ना याद रखना 18 से 22 kg प्रति हेक्टेयर, ये 8 इधर तो 8 इधर, इधर 8 से 10 kg प्रति, सही है 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर। तो ये कंप्लीट हो गए आपके बीज दर। अब तापमान इसके इंपोर्टेंट बनते हैं, तापमान में देखें, बीज अंकुरण के लिए अगर मैं बात करूं, सीड जर्मिनेशन के लिए, फॉर सीड जर्मिनेशन, तो आपको पता होगा जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए 25 से 35। कल आपको मिर्च भी मैंने बताया, देख सीक्वेंस कैसा मैं लेकर आया हूं, मिर्च पढ़ा है सेम कॉन्सेप्ट यहां पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं, अगर कोई बच्चा मिर्च पढ़ लिया ना तो भिंडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेम सेम आएंगे, केवल एक ही डिफरेंस आ रहा है बीज दर में, कहां आ रहा है बीज दर में। उपयुक्त तापमान कितने आएंगे, सबका मैंने बता दिया, जिसका फल खाते हैं ये शुरू में ही बता दिया, कितना टेम्परेचर लोगे 24 से 28, 20 डिग्री से अगर कम तापमान कर दोगे, बिलो 20 डिग्री सीड जर्मिनेशन नॉट टेक्स प्लेस, हॉट लिखा गया टेक्स प्लेस, यानी 20 डिग्री से कम तापमान करोगे तो बीजों के अंकुरण क्या हो जाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि इसको चाहिए क्या, गर्मी, क्या चाहिए, लेकिन इसका उल्टा, जैसे ही जब शुरू करोगे कोल क्रॉप, रूट क्रॉप, बल्ब क्रॉप, इन सबको बीजों के अंकुरण के लिए चाहिए 18 डिग्री 20 डिग्री, समझ में आ रहा है इन बात, और इनको अगर ठंड में लगा दोगे ना भिंडी उंडी को,
तो ये ज्यादा उत्पादन नहीं देंगे, बीजों के अंकुरण नहीं होंगे। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। ये सीड रेट आपको करा दिया कितना है 18 से 22, और इधर क्या है 8 से 10। अब आगे बस वेराइटी खत्म है कहानी। वेराइटी में हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। ये है येलो वेन मोजाइक वायरस रेसिस्टेंट, इसी से प्रश्न आते हैं। क्या है बताओ, येलो वेन मोजाइक वायरस रेसिस्टेंट। देखो ये तो भिंडी है, इस पे अटैक करेगा वायरस, तो इस तरह के आपको सिम्टम्स दिखेंगे। इसका नाम क्या है, येलो वेन मोजाइक वायरस। क्या नाम है, येलो वेन मोजाइक वायरस, येलो वेन मोजाइक वायरस। अब इसका नाम है अर्का अनामिका। फर्स्ट वेराइटी क्या है नाम, अर्का अनामिका। ये क्या है, अर्का अभय, लिखूं इसको अर्का अनामिका। ये क्या है, अर्का अभय, ए बी एच ए वाई अभय। ये है प्रभनी क्रांति, लिख लोगे इसको क्या है, प्रभनी क्रांति। वर्षा उपहार, वर्षा उपहार, उपहार। ये हिसार बरसाती, हिसार। लेकिन ये अर्का अनामिका, अर्का अभय, पर्वन क्रांति, ये तीन इंपोर्टेंट है। किसके लिए रेसिस्टेंट है बताओ, येलो वेन मोजाइक वायरस के लिए ये क्या है, रेसिस्टेंट। अगला संकर वेराइटी पूसा साबनी, ये भी इंपोर्टेंट है। पूसा साबनी ये है रोम और कांटे रहित, यानी ये थॉर्नलेस वेराइटी है। कैसी वेराइटी है, थॉर्नलेस वेराइटी, जिसका नाम क्या है, पूसा साबनी। क्या नाम है, पूसा साबनी। ये आ गया फिर परभनी क्रांति, सफेद मक्खी प्रतिरोध, यानी व्हाइट फ्लाई रेसिस्टेंट वेराइटी। व्हाइट फ्लाई रेसिस्टेंट वेराइटी कौन है, परभनी क्रांति। पूसा मखमली, यानी सॉफ्ट फ्रूट होते हैं इसके, मखमली सॉफ्ट। शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन द्वारा चयनित वेराइटी। तो ये कौन कौन है, अर्का अभय, अर्का अनामिका, पंजाब पद्मनी। तो ये तीनों भी इंपोर्टेंट है, सावनी भी आते हैं, परभनी आते हैं, मखमली आते हैं। ये सब वेराइटी किसका है बताओ, भिंडी का, ठीक है। अन्य किस्म में EMS1, EMS8, ये है उत्परिवर्तित द्वारा, यानी म्यूटेंट वेराइटी है। कैसी वेराइटी है, म्यूटेंट वेराइटी, जिसका नाम क्या है, EMS8। हरभजन एक पूछ लेता है कि हरभजन किसकी वेराइटी है, तो हरभजन किसकी वेराइटी है, भिंडी की। बस जो कहां लगाया जाता है, ग्रीन हाउस में, प्रोटेक्टेड खेती, पोली हाउस के लिए उपयोग है। पूसा A4 सिलेक्शन सुटेबल फॉर रेटूनिंग क्रॉप, रेटूनिंग के लिए। आपको कहां बताया हूं बताओ, ब्रिंजल में बताया हो ना। और कौन सी वेराइटी थी, कोई नाम बताएगा, उस वेराइटी का नाम है हिसार जामुनी। क्या नाम है, हिसार जामुनी, जो कहां लगाया जाता है, ब्रिंजल में, रतून क्रॉप के लिए। कौन सी क्रॉप है, रतून। और यहां लगाते हैं अर्का अभय और पूसा A4। तो ये याद रखोगे, अर्का अभय किसमें है बताओ, भिंडी में, जबकि ब्रिंजल में क्या है, हिसार जामुनी। क्या है, हिसार जामुनी, किसके लिए है, रतून क्रॉप के लिए। कौन सी क्रॉप के लिए, रतून क्रॉप के लिए, इंपोर्टेंट। ये आ गया टॉलरेंट सूट एंड फूट बोरर के लिए। टॉलरेंट एक रूट स्टॉक अगर ध्यान रखना है तो एवल मोस्कर ट्यूबरकुलेटस, ये ध्यान रखें। और ओक्रापोड बिकम रेडी टू फर्स्ट हार्वेस्ट, पहली बार इसकी हार्वेस्टिंग 45 दिन में करते हैं, ये छोड़ देना। पर ये जो बार बार मैं बोलता हूं 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा, तो ये है निर्यात के लिए। निर्यात भिंडी की साइज क्या पूछ लेगा, तो ये होते हैं केवल कितना जानते हो, 6 से 8 सेंटीमीटर जो निर्यात करते हैं ना, ये 15 सेंटीमीटर है, देख ले ये पेन, इसका आधा, इतनी छोटी छोटी भिंडी निर्यात होती है, छोटकी नियन। तो ये निर्यात के लिए। पेस्ट की बात करें, अगर कीट की बात करें, ये तो अलग से मैं पढ़ा दूंगा आपको सारे कीट एक तर, इतना पढ़ना नहीं है। केवल याद रखना सूट एंड फ्रूट बोरर, क्या याद रखोगे, और इसी का ये नाम भी याद रखना, इरियस वेटेला। बस मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो है सूट एंड फ्रूट बोरर, जिसको बोलते हैं तना और फल छेदक। क्या नाम है बताओ इसका, तना व फल छेदक, बस एक ही याद रखना आप।
और दूसरा आप जानते हो इसमें एफिड भी लगते हैं, और कौन लगेगा, सफेद मक्खी, सफेद मक्खी ये इंपॉर्टेंट है, और सफेद मक्खी किसका वाहक है, एलोवेन मोजाइक वायरस का, किसका है, सफेद मक्खी एलोवेन मोजाइक वायरस का। बीटी ओकरा भी बनाया गया है, बीटी ओकरा इन इंडिया में कौन बनाया है, माइको कंपनी ने, किसने बनाया है, माइको। एबल मोस्कस मानी हॉट, ये दो रूट स्टॉक यहां से, एक तो स्पीसीज का नाम है मानी हॉट, और इसको इंग्लिश में याद रखना ट्यूबरकुलेटस, एक नाम क्या है ट्यूबरकुलेटस, ये टॉलरेंस है, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशील, सहनशील है किसके लिए, एलोवेन मोजाइक वायरस के लिए, बस छोड़ देना, बताओ हमें जल्दी से क्या मैंने बोला, एबल मोस्कस मानी हॉट, जैसे पपाया में कॉलीफ्लोरा बोलते हो ना, और इसमें क्या है ट्यूबरकुलेटस, ये दो जो ऐसे स्पीसीज है जो किसके लिए रेसिस्टेंट है, बताओ एलोवेन मोजाइक, बताओ किसानों को बहुत ज्यादा जिस एरिया में प्रभावित कर रहा है एलोवेन मोजाइक वायरस, आप अधिकारी बनोगे तो किसके साथ क्रॉस करा दोगे, किस जाति के साथ, इसके साथ, मानी हॉट के साथ या किसके साथ, ट्यूबरकुलेटस के साथ, तो वहां ये बीमारी नहीं लगेंगे, ठीक है, केवल ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना। सूट एंड फ्रूट बोरर की बात हो गए, ये है एलोवेन मोजाइक, ये तो बाकी पहले पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध किस्म कौन है, पूसा सावनी, परवनी क्रांति, अर्का अभय और अर्का अनामिका, इधर लिखा हुआ है रेसिस्टेंट वेराइटी। और एलोवेन मोजाइक वायरस किससे होते हैं बताओ, ये किससे होगा, वायरस से, और इसको ले जाने वाला कौन है वाहक, ये है व्हाइट फ्लाई, कौन है व्हाइट फ्लाई, जिसे हम कहते हैं सफेद मक्खी, कौन है सफेद मक्खी, तो ये पहले भी करवा चुका हूं, ये सारे बीमारी उमारी पहले करवा दिया है। जो मोजाइक होते हैं ना ज्यादातर मोजाइक, इसको ले जाने वाला होता है एफिड, कौन होते हैं, लेकिन मैंने याद करवाया था एलोवेन मोजाइक वायरस ये ले जा रहा है कौन बताओ, व्हाइट फ्लाई, और यही गलत करोगे, अधिकांशतः जो मोजाइक होते हैं इसका वाहक कौन होता है एफिड, लेकिन एलोवेन मोजाइक वायरस में कौन याद रखेंगे, व्हाइट फ्लाई, क्या याद रखोगे, व्हाइट फ्लाई। ये है जड़ गांठ, रूट नॉट निमेटोड, ये कहां मिलेंगे, बैगन में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, मिर्च में मिलेगा, और कहां मिलेंगे, भिंडी में, तो सारे जगह यही मिलेंगे, तो बार बार थोड़े याद रखेंगे, और इसके स्पीसीज हो जाएगा मिलाइडोगाइनी, कौन सा हो जाएगा, यानी जड़ों में इस तरह से गांठ बन जाएंगे। अब ये गांठ बनाने वाला कौन है, निमेटोड है, कौन है ये निमेटोड, कहां पाए जाएंगे, मिट्टी में, कहां पाए जाए, सॉइल में। जड़ गलन, इस तरह के रूट गल जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रूट रॉट। रूट नॉट निमेटोड जड़ों में क्या बनाती है, गांठ, यानी रूट नॉट फॉर्मेशन करेगा। पत्ती धब्बा इंपॉर्टेंट है, ये पत्ती धब्बा ये भी होता है किससे, फंजाई से, और इस फंजाई का नाम है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा कौन से स्पीसीज है, सर्कोस्पोरा स्पीसीज, तो इसके द्वारा होते हैं पत्ती धब्बा, ये आपको मिलेगा कहां, पोम ग्रेनेट में, कहां मिलेगा, पोम ग्रेनेट की घातक बीमारी है, और बेर में भी मिलेगा आपको, फालसा में भी मिलेगा ये पत्ती धब्बा, पत्ती धब्बा, अंगूर में मिलेगा इवेन क्या, पत्ती धब्बा। तो ये हो गए आपके क्या, कंप्लीट ओकरा। अब ओकरा का हम कर ले 5 मिनट में रिवीजन, चले अब ओकरा का कर लेते हैं फटाफट एक बार हम रिवीजन, 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे। चले ओकरा का देखो रिवीजन में क्या है, बोटनिकल नेम की बात करें तो क्या होगा, एबल मोस्कस स्कुलेंटस, फैमिली क्या होगा, मालवेसी, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है दोस्त, 130, और ओरिजिन की बात करें तो अफ्रीका। भारत विश्व उत्पादन में कौन सा रैंक पे है, प्रथम स्थान, कौन सा स्थान पे है, प्रथम स्थान। दूसरा, चीन प्रथम में है टमाटर में, बैगन में, आलू में और शिमला मिर्च में। भारत फर्स्ट में मिर्च में और भिंडी में। स्टेट की बात करें तो ओकरा सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, टमाटर आंध्र प्रदेश में, बैगन वेस्ट बंगाल में, और आलू कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, मिर्च कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसकी होती है, कौन सी सब्जी की, तो प्याज की, किसकी होती है, प्याज की। इम्पोर्ट का मतलब अंदर आना, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर जाना। अगला ये देखो, उत्पत्ति अफ्रीका मैंने बता दिया, और जिसका फल खाते हैं वो क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। फल प्रकार क्या होगा, कैप्सूल।
10 कैप्सूल का नाम बता दो, चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, अफीम हो गया, कपास हो गया, और आंवला हो गया, रतन जोत हो गया, तिल हो गया, भिंडी हो गए, और अरंडी हो गया, धतूरा हो गया, ठीक है। ये सब सारे क्या हो गए, फल प्रकार कैप्सूल। अब प्लासेंटेशन क्या होता है, इसका प्लासेंटेशन है जिसका नाम क्या है, एक्साइल। ये और किसका होता है, सिट्रस का, और किसका होता है, भिंडी का, इसका होता है क्या, एक्साइल। और मार्जिनल किसका होता है, मटर, म से मार्जिनल और म से मटर, तो ये इंपॉर्टेंट है। भिंडी में आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर। या पूछा जाए किस ग्रंथि संबंधित है ग्वाइटर से, तो थायरॉइड। कौन सा है, थायरॉइड। थायरॉइड से कौन से रसायन निकलते हैं, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन दो तरह के होते हैं, T3 और T4। T3 ज्यादा एक्टिव होता है, क्या होते हैं, T3 ज्यादा एक्टिव, इतना ही रहने दे। ये कैसा प्लांट है, ओपन क्रॉस पोलिनेशन। भिंडी में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिससे आइसक्रीम की क्या रहती है, कठोरता बनी रहती है। इसके तने में रेशे होते हैं जो पेपर इंडस्ट्री में सहायता लिया जाता है। सबसे अच्छा पेपर बनता है बंबू का, और किसका पेपर बनता है, खजूर का भी, और किसका बनता है, ओकरा का। इसके पीएच की बात करें तो 6 से 7 होते हैं, और 6 से 7 पीएच और किसको मिलेगा, मिर्च में। सीड रेट की बात करें तो 2 तरह के बीज दर मिलेंगे, कौन कौन, एक तो जायद में और दूसरा मिलेगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या होता है, अनुकूल होते हैं, इसीलिए इसका बीज दर कितना रखते हैं, 8 से 10, जबकि ये प्रतिकूल होता है, इसलिए इसका बीज दर है 18 से 22। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इसमें डबल बीज दर 18 से 22, और इसका 8 से, जबकि आपको याद होना चाहिए प्याज में यूज करते हैं तो 1 में 10 से 12, याद करो, 1 में कितना था, 10 से 12, और दूसरे में 12 से 15। तो 12 से 15 क्या है, प्रतिकूल। तो ये तो रवि सीजन क्या हो जाएगा, प्याज का फल नहीं खाते हैं फल के अलावा, तो ये रवि के लिए बीज दर कितना लोगे, 10 से 12, और खरीफ के लिए बीज दर कितना लेंगे, 12 से 15। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बना के पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं, याद रहेंगे। तापमान कितना होना चाहिए बताओ, तापमान जनरली होना चाहिए 25 से 27। अगर आप 35 डिग्री तक तापमान दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भिंडी आराम से ग्रोथ करेगा। 20 डिग्री से कम तापमान दोगे तो इसमें अंकुरण नहीं होंगे। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंकुरण कितना डिग्री पे नहीं होगा, 20 डिग्री पे। बीज दर आपको करवा दिया। वैरायटी की बात करें तो येलो बेन मोजाइक में अर्का अनामिका, अर्का अभय और परभनी क्रांति वर्षा उपहार, पूसा सावनी, परभनी क्रांति, पूसा मखमली, ये इंपॉर्टेंट है। सफेद मक्खी प्रतिरोधी याद रखना कौन है, परभनी क्रांति। कौन है, परभनी क्रांति। येलो बेन मोजाइक वायरस जो होता है, ये बीमारी किससे फैलते हैं, वायरस से, और इसको ले जाने वाला कौन है, सफेद मक्खी। कौन है, सफेद मक्खी। EMS8 की बात करें तो ये उत्परिवर्तित वेरायटी है। हरभजन किसकी वेरायटी है, भिंडी की। किसकी है, भिंडी। रतून के लिए ब्रिंजल को अपनाते हैं और रतून के लिए भिंडी को अपनाते हैं। ब्रिंजल की वेरायटी है हिसार जामनी, जबकि और भिंडी की वेरायटी है अर्का अभय, अर्का अभय। और एक इंपॉर्टेंट कीट, इसका कीट का नाम क्या है, सूट एंड फ्रूट बोरर, यानी तना और फल छेदक, जो बैगन में भी होते थे। और इसका रेसिस्टेंट स्पीसीज कौन है, एबल मोस्कर ट्यूबर कुलेट्स। क्या नाम है, कुलाटा या कुलेट्स, जैसे याद करो, इसको कर लेना। एक्सपोर्ट जो करते हैं उस भिंडी की साइज कितना होना चाहिए, 6 से 8। पहली पिकिंग, पहली बार भिंडी की तुड़ाई कितने दिनों में करते हैं, 45 दिनों में। कितने दिनों में करते हैं, 45 दिनों में पहली तुड़ाई। लिख देता हूं, हिंदी में नहीं लिखे सर, इसलिए नहीं समझ में आया। पहली तुड़ाई कितने दिन में करते हैं, 45 दिनों में। अगला है पेस्ट के नाम लोगे तो क्या है, सूट एंड फ्रूट बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, एरियास वाइटेला। क्या नाम है, एरियास। बीटी जो ओकरा बनाया था, कौन सी कंपनी ने बनाया था, माइको कंपनी। 2 स्पीसीज याद रखना, एबल मोस्कल मानी हॉट और दूसरा एबल मोस्कल ट्यूबरकुलेटस। क्या नाम है, ट्यूबरकुलेटस मानी हॉट, मानी हॉट ट्यूबरकुलेटस। येलो वेन मोजाइक रेसिस्टेंट है, क्या है, येलो वेन मोजाइक रेसिस्टेंट। लास्ट दिन एक दिन सारे ये रूट स्टॉक लिखा दूंगा, जैसे फलों में लिखाया हूं ना, ऐसा ही ये लिखा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट चल जाते हैं, येलो वेन मोजाइक बता दिया, वायरस से होगा, कौन ले जाएगा, व्हाइट फ्लाई, ये याद रखना, पूसा सावनी, अर्का अभय, परवनी क्रांति, अर्का अनामिका, ये 5 वेरायटी इंपोर्टेंट याद रख लेना, रेसिस्टेंट है, 4 है ना, किसके लिए है बताओ, येलो बेन। रूट जड़ गांठ सूत्र क्रमी, ये किससे होते हैं बताओ, रूट नॉट, मिलेडोगाइनी से। किससे होता है, मिलेडोगाइनी। एक और इसकी बीमारी इंपॉर्टेंट आएंगे जो है लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट किससे होते हैं, सर्कोस्पोरा। जीआरएफ में पूछा गया है पोम ग्रेनेट की घातक कौन है, लीफ स्पॉट।
बेर का कौन है? पाउडरी मैल्ड्यू। बेर का सबसे घातक पूछा जाए तो कौन है? पाउडरी मैल्ड्यू। कीट पूछा जाए तो फ्रूट फ्लाई। कौन है? फ्रूट फ्लाई। तो ये ध्यान रखोगे तो ये हो गया दोस्त आज की क्लास। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है कंप्लीट। अब हम कल से शुरू करेंगे जो कहानी वो होगा कुकरविट्स। दीपावली के पहले पहले अपन ये इसको निपटा देंगे कुकरविट्स। तो सारे फल वाले निपट जाएंगे, 5 दिन लगेंगे हमें फल के अलावा वाले पढ़ने में। 5 से